है ना, घर वाले भी खुश है कि यार बाइक से अपनी गाड़ी ले ली। मैं कभी चलाई भी नहीं थी, कभी नहीं चलाई, कभी स्टीयरिंग पकड़ी ही नहीं, बैठा ही नहीं कभी सीट पे। अच्छा जी। हाँ, बस एक गाड़ी आई है, फोटो खिंचाने के लिए भी नहीं बैठे। वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, और आज की वीडियो जो हमारे कुछ स्पेशल एक भाई हैं जो राम गोपाल जी, ये हैं, तो इनकी कहानी आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा कि जिंदगी में अगर कुछ भी ठान लिया जाए तो सब कुछ मुमकिन है। वो कैसे, ये आप देख रहे हो ना, गाड़ी बिल्कुल न्यू, दुल्हन एकदम चमकती हुई है, और ये इन्होंने लिए अभी रिसेंटली। क्या है पूरी कहानी, हम लोग बैठ के पूरा आराम से जो है बात करेंगे, और क्या है इनका सपना, क्या था, इन्होंने किस तरीके से इसको पूरा किया, वो बात करेंगे। आओ सर अंदर बैठ के बात करें, है ना, एसी का फील ले ले थोड़ा, हम भी हैं। तो दोस्तों ये हैं राम गोपाल जी, राम गोपाल वर्मा नहीं है, जो डायरेक्टर हैं इनका नाम है राम गोपाल जी। तो ये आगरा से बिलोंग करते हैं, और इनसे मेरी करीब साल डेढ़ साल से बात हो रही होगी। हाँ जी, साल डेढ़ साल से जो है इनसे मेरी बात हो रही थी, और इन्होंने बाइक से स्टार्ट करा। कब आपने पहली बार बाइक टैक्सी चलाया? बाइक का मैंने अक्टूबर में स्टार्ट किया। बिल्कुल स्लो कर दो ऐसे, बिल्कुल कोई नहीं ज़्यादा, अक्टूबर में है, मतलब बाइक कितना चला लिया होगा आपने? बाइक समथिंग 9-10 महीने। 9-10 महीने। और बाइक चलाते चलाते ना इन्होंने मुझे एक बार करीब नवंबर दिसंबर में इन्होंने बोला था, है ना, तभी इन्होंने मुझे बोला था कि भाई मेरे को ना गाड़ी लेनी है और मुझे उसी में काम करना है। और आज ही अचानक मेरे को फ़ोन करते हैं, हमारे एरिया में आए थे कि कहाँ हो सर, मैंने कहा यहीं हूँ, तो कहे आ जाओ तो मिल लेते हैं। मैं आया तो मुझे लगा होगा शायद बाइक से हो, सच बता रहा हूँ ये, लेकिन जैसे आप उधर से लेके आए ना गाड़ी तो मैं शौक हो गया, मैंने यार ये तो बिल्कुल न्यू इन्होंने कहा था, और आज ये सपना पूरा कर दिया। तो इसके पीछे क्या वजह है? वजह यही है कि मैं चाहता हूँ कि जो भी काम करे मन लगा के करे। मेरा दिल लग रहा था इसमें कि नौकरी करो तो कहीं भी नौकरी करो कितना देगा, 10-12 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये लास्ट, तो उसमें आज की डेट में खर्चा चलने को है नहीं है। तो मैंने सोचा कि कुछ अपना ही करना है, तो एफर्ट लगाया पहले स्टार्टिंग में बाइक में स्टार्ट किया, क्योंकि पहले इतने पैसे थे नहीं, तो बाइक से स्टार्टिंग किया, बाइक अपनी थी घर की, तो आईडी वगैरह बना ली और उसके बाद में काम करना स्टार्ट किया। तो और देखो इस वीडियो में ना हम लोग कुछ कमाई वमाई की बात नहीं करेंगे, बस मैं एक तरीके आप लोगों के कहानी बता रहा हूँ कि राम गोपाल जी जो है ना, एक मिले हम लोग, मतलब बात हुई फ़ोन पे, इन्होंने यूट्यूब पे चैनल देखा, बात हुई, उसके बाद एकदम से इन्होंने कहा कि यार मुझे ना कार लेनी है। और आज जब मैं इनको देख के मैं खुश शौक हूँ कि यार बंदा अगर ठान ले तो सब कुछ हो सकता है, पॉसिबल है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, भाई आपने ड्राइविंग कब सीखी बताओ अपने मुँह से? रिसेंटली। ये आने से पहले आता था? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैंने कभी चलाई भी नहीं थी, कभी नहीं चलाई, कभी स्टीयरिंग पकड़ी ही नहीं, बैठा ही नहीं कभी सीट पे। अच्छा जी। हाँ, बस एक गाड़ी आई है, फोटो खिंचाने के लिए भी नहीं बैठे कभी नहीं। ओ भाई साहब, और इन्होंने जो गाड़ी लिए कब लिए? ये जून में 28 जून को 28 जून को लिए, और आज जो तारीख है दोस्तों वो जुलाई है, जुलाई 25 तारीख है आज। और आप ये देख सकते हैं उन्होंने जो मीटर है 8383 चलाया, जिसमें से 3000 किलोमीटर ये बता रहे हैं पहले चला दी इन्होंने, खाटू श्याम वगैरह गए थे उस समय चलाई। अच्छा, इन्होंने नहीं चलाई क्योंकि इन्होंने चलाने ही नहीं आता था। अच्छा, अब आप देख सकते हो भाई जो है अपनी गाड़ी में एक सपना पूरा होना ना बहुत वो होता है। तो अब इससे आप लोगों को फैमिली कितनी खुश होगी? बहुत ज़्यादा खुश है। बहुत खुश है, एक खुशी तो मिलती है, बच्चे भाई सब खुश है ना, घर वाले भी खुश है कि यार बाइक से अपनी गाड़ी ले ली। बाइक से कम इस पे आ गए तो है ना, लगता होगा पहले, क्योंकि मतलब वाइफ का ये सोचना होता है कि यार टू व्हीलर अब मेरे खड़ी है वहाँ पे, तो टू व्हीलर में क्या है ना रिस्क रहता है, फोर व्हीलर में होगा डैमेज लेकिन आउटर डैमेज होता है, फाइनेंशियल डैमेज है, लेकिन टू व्हीलर में जो है ना वो फिजिकल डैमेज हो जाता है। तो उसको लेकर क्या भाभी ने मतलब कुछ बोला हो ऐसा, कोई क्या बोली? मेरा फीलिंग आती है, अच्छा लगता है कि हाँ कुछ अच्छा किया, मतलब गाड़ी लेके अच्छा लगता है। कहीं जाना होता है जैसे हम लोगों को घर भी जाना होता है ना, तो बस में जा दो वैसे ट्रेवल करके अभी जाते थे, ठीक है, अब इसमें जाते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ बस ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है, बच्चों के साथ में वैसे भी अपने काम का काम हो रहा है। और सही सही है। चलो जी, ये देख रहे हो आप लोग खाटू श्याम जी, ये वहीं से लग रहे लाए हुए आप, है ना? हाँ जी, हाँ जी, वाह वाह वाह, वहीं से लाए हैं, चलो बढ़िया है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका भी सपना हो कुछ भी करने का ना, तो राम गोपाल जी जैसे और हम जैसे आप भी पूरा कर सकते हो, बस ठान लो। और ये अभी कितने देर चला रहे हो आप, कितना घंटा? मैं सुबह निकलता हूँ, मैं 8 बजे तक सुबह 8 बजे निकल जाता हूँ, रात को 10 बजे तक। देखिए कमाई वमाई नहीं पूछेंगे क्योंकि हमें पता है जो भी अगर
जो भी बंदा 12 घंटा 14 घंटा इस पे काम कर लेता है वो अच्छा खासा कमा लेता है। बस आपको बुकिंग छोड़ना नहीं होता, जो मिल रहा है वो करते रहो, ऐसे करते हैं ना। क्योंकि देखिए मुझे तो एक्सपीरियंस है नहीं, सच बताऊं तो मुझे बाइक का पता है, जैसा बाइक का वैसे इसका है, बस इसमें खास नहीं है, बस वही है टू व्हीलर फोर व्हीलर का अंतर आता है, बाकी कोई अंतर नहीं है ना। मतलब थोड़ा बहुत कस्टमर का भी तो होता होगा ना, इसमें कहेगा अरे बैठा हुआ है सामान है तो भरना है सामान, कस्टमर भी खुश हो जाता है कि चलो हमारी हेल्प तो की, हम हर व्यक्ति एक दो लगेज लेके चलता, अगर उठवा देंगे तो हमारा क्या जा रहा, कुछ नहीं ना, मगर उसकी हेल्प हो जाती है, वो अच्छा फील करता है कि हाँ चलो जो भी बंदा मिला मैं अच्छा मिला, रेटिंग अच्छी मिलती है, अच्छा व्यवहार बनता है, अगली बार बुलाएगा तो शायद हमें डायरेक्ट कॉल करके बुला सकेगा। तो भाई देखिए इसमें हम लोग कमाई की बातें नहीं करेंगे ज़्यादा, बस यही मुझे खुशी हुई है और होप आप लोगों को भी खुशी होगी और इंस्पायर हुए होंगे राम गोपाल जी की इस छोटी सी कहानी से। देखिए सोचो तो सब कुछ पॉसिबल है। अब हम इनसे कभी और मिलेंगे, अभी इनको थोड़ा और काम करने दो 15 दिन 20 दिन। और अभी कुछ दिक्कतें आई वैसे? नहीं कोई खास दिक्कत नहीं आ रही है, स्टार्टिंग में डर लग रहा था कि भीड़ वाला भीड़ में क्या करूंगा, क्योंकि मुझे रिसेंटली एक महीने ही हुआ ड्राइविंग से चलते, वो भी नया लेने के बाद सीखना रिस्की तो लगता है, सही बात है ये चीज। इसके अलावा कोई डर नहीं ना? कोई डर नहीं है, उसे स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत हुआ था केवल 15 दिन के समथिंग, ठीक है 15 दिन से मुझे कोई डर नहीं है कि कहीं भी चला जाऊंगा मैं। खुद की गाड़ी है तो काय का डरना है। थोड़े बहुत जो भी आएगा स्टार्टिंग में लगता है ना कि वही भीड़ में कैसे निकालूंगा, और इतना कंजेस्टेड एरिया तो कैसे निकालूंगा, मगर अब कोई दिक्कत नहीं होती है। ये तो है। तो भाई हम लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में इनसे बात करेंगे कमाई को लेकर, हाल कमाई परमिट सब कुछ बात करेंगे, क्योंकि अभी एक्सपीरियंस होंगे धीरे धीरे, और एक महीना चला रहे तो एक महीने में अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ जाता है, तो उसके लिए आपको दूसरी बार मिलने आना पड़ेगा। बट जो एक बार आता है ना मिलने, दूसरी बार आते नहीं है। मैं देखता हूँ कि राम गोपाल जी हमारे पास आएंगे कि नहीं। आओगे ना? बिल्कुल आएंगे, मैं दोबारा फिर आया हूँ आपसे बोल के गया था गाड़ी लूंगा, आपने बोला था गाड़ी ले लो तो मुझे मिलने जाना, तो मैं आया आपसे मिलने के लिए। चलो ये काफी दिन से सोच रहा था मगर आज टाइम मिल गया। टू व्हीलर पे हमेशा हेलमेट पहने, फोर व्हीलर पे हमेशा सीट बेल्ट लगाए। आप लगाते तो होंगे नहीं? इसमें चलान कितने का बिना सीट बेल्ट का चलान? 1000 रुपए का। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तब तक के लिए गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर